हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 16th चैप्टर। ऑब्वियसली लाइट लाइट की बात आज हम लोग करेंगे। ये CBSE के बच्चों के लिए है, NCERT की बुक का ये 16th चैप्टर है साइंस का। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चा पार्टी। वी विल बी गोइंग विथ डुअल लैंग्वेज, मतलब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का साइमेंटेनियसली प्रयोग करेंगे ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँ। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर के पूरे कंटेंट और टॉपिक के लिए एक्सेलेंस एजुकेशन का ऐप, सॉरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही साथ कील ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो जल्दी चलिए शुरू करते हैं। लाइट क्या है बच्चा पाटी, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं लाइट क्या है, अगर हमें ये जानना है ना, तो ये इमेजिन करो कि लाइट के बिना हमारी ज़िंदगी क्या थी। इमेजिन करो कि रात के समय बिजली चली जाए, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, इतना अंधेरा कि आप अपने खुद के हाथ की उंगलियां तक नहीं देख पा रहे हो, इतना अंधेरा। ठीक है, अब इमेजिन करो अचानक लाइट आ जाए, तो आपको जो चीज़ आपके हाथ की उंगलियां, मतलब मैं ये क्यों बोला, क्योंकि आप इतने पास की चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही लाइट आई आपको दूर दूर की चीज़ें दिखने लगी। या सुनो, ठीक है, या इमेजिन करो, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ या बहुत डेंजरस प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ, लेकिन इमेजिन करो कोई कार चला रहा है रात के समय और वो अचानक अपने कार की हेडलाइट बंद कर दे। जैसे वो लाइट बंद करेगा उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, काइंड ऑफ वो एक बहुत ही कैओस की सिचुएशन में पहुंच जाएगा कि उसको अब करना क्या है। लेकिन जैसे वो गाड़ी की लाइट ऑन करेगा उसको रास्ता दिखने लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बच्चा पार्टी, एक छोटी सी कहानी है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबने नाम सुना होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन का, सबने सुना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक बार क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि जब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी, बारिश होती थी और बिजली चमक, थंडर होता था, तो उस थंडर के कारण क्या होता था, एक लाइट प्रोड्यूस होती थी, और रात के समय भी, ड्यूरिंग नाइट, आपको डे जैसा अपीयरेंस मिलता था, मतलब दिन जैसा प्रकाश, चारों तरफ रोशनी फैल जाती थी, मतलब रात के समय भी लोग दिन जैसी चीजें देख पाते थे। समझ में? तो बेसिकली लाइट का जो मेन मकसद था शुरुआत में वो था विजिबिलिटी, चीजों को देखने लायक बना पाना। हम सब ने टॉर्च यूज किया है, और जो मैंने आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात बताई वो उसके कारण ही धीरे धीरे आगे चल के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिफरेंट रेज प्रोड्यूस हुई या उनका इन्वेंशंस होते गए, और फिर फाइनली जाके लाइट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो यह लाइट का यूज लोगों को समझ में आया, तो लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट या रिसर्च वहां से शुरू हुआ। तो लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब होता है चीजों को देख पाना या देखने के लायक बना पाना। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, लाइट की इंपॉर्टेंस को समझा गया। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट है कि लाइट में क्या क्या देखने को मिलता है, लाइट में क्या चीजें आपको बेसिक देखने को मिलती है। आप सबने वो वाला प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरे फादर ने मुझे एक वॉच दिया था, वो वॉच जब मैं पहनता था तो उस वॉच का जो ग्लास था, कांच, ये मैं वॉच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही गंदी वॉच बना रहा हूँ मैं, ड्राइंग स्किल तो बहुत ही घटिया है मेरे। तो इस वॉच में है ना क्या था, जो ग्लास था वो जब लाइट इस पे आके टकराती थी तो वो एक रिफ्लेक्शन कॉज करता था। तो मैं क्या करता था, उस रिफ्लेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पर, जो भी मेरे दोस्त है उनको, ऑब्वियसली अपन बच्चे थे उस समय, तो बच्चे से हरकत करते थे कि ये आंखों में किसी के लाइट मार रहे हैं, है ना। कई बार इंटेंशनली करते थे, कई बार अनइंटेंशनली भी होता था कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं, खुद ही आके लाइट टकरा रही है, जा रही है। तो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, देयर वॉज रिफ्लेक्शन। आप सबने भी किया होगा कि आपने मिरर लेके खड़े हो जाओ, मिरर पे एक लाइट यहाँ से गिरे और फिर यहाँ से यहाँ लाइट जाए, है हाँ ना। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। इस बंदे ने टॉर्च लाइट यहाँ से देखो ऐसे इंसर्ट की, ये यहाँ से लाइट गई और यहाँ से ऐसे चली गई, है हाँ ना। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको क्या दिखेगा कि
कि ये जितना एंगल इसने यहाँ बनाया था एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, उतना ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बना दिया उसने, है ना, ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्लास है, और कैसा ग्लास है, प्लेन प्लेन ग्लास है। प्लेन ग्लास क्या है, जिसकी रेगुलर सरफेस है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा या रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप सबने किया होगा, या वो जो मैंने बताया ना कि मिरर लेके खड़े हो गए और किसी की आंखों पे लाइट मारा, तो जो लाइट आती है और टकराती है वो इंसिडेंट है, और जो टकरा के निकलती है वो रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनना, बाउंसिंग बैक, डेफिनेशन ही बड़ी शानदार है, बाउंसिंग बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, मतलब हवा से लाइट आई थी और हवा में ही चली गई, ऐसा नहीं है कि हवा से टकरा के पानी में चली गई या कहीं और चली गई, तो जैसे लाइट आई वैसे ही आगे चली गई, तो बाउंसिंग बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साउंड में भी होता है ना यार, भी मैं कुछ समय पहले साउंड पढ़ा रहा था बच्चों को, तो साउंड निकल गया, ठीक है। तो लाइट में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या आ जाओ देखते हैं, ये देखो ये स्केल से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि ये नहीं भी बनाते, ये हाथ हटा देते तो भी चल जाता, बट ठीक है। मान लो लाइट यहाँ से गई, ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये तीनों, और ये वाला जो होता है इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, अब ये मत बोलना नॉर्मल मतलब नॉर्मल, बच्चे एकदम ऐसे होते हैं, नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर, मतलब ये अगर यहाँ पे डायग्राम है तो, हाँ बहुत बढ़िया, ये देखो ये डायग्राम, दिस इज एन एब्सोल्युटली ऑसम डायग्राम। ये जो आपको काटे काटे जैसा दिख रहा है इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस। साइंस में या फिजिक्स में एक रूल है कि आपको अगर कभी रिफ्लेक्टिव सरफेस बनानी है तो आप ऐसे एक डंडी खींचो और उसके पीछे ऐसे बना दो, ये अगर बना ऐसा बना हुआ दिखेगा तो इसका मतलब ये एक मिरर है, मिरर, दिस इज अ मिरर, समझ में आया, तो ये मिरर का सिंबल है, ओके। ये जो लाइट आ रही है देखो, ये आने का साइन है ना, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्ट होके टकरा के जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं पोल, या इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, लेकिन पोल बोलना ज्यादा सही है। और उस पोल को अगर हम उस सरफेस पे चेक करें और एक 90 डिग्री खींचे, ये 90 डिग्री देखो दिख रहा है, 90 डिग्री, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरह दिखे तुम लोगों को, ठीक है, लेट मी मेक इट रेड, ओके मैं रेड बना देता हूँ। तो देखो आपको ये जो 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक इमेजनरी लाइन है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, समझ में आई बात। तो वॉट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हिंदी में उसको लंब बोलते हैं ना, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो किसी भी आधार पर, जो आधार मतलब बेस पर जो खड़ी डंडी खींची जाती है उसको लंब बोलते हैं, लंब, है ना। और इंग्लिश में अगर बोले तो इट इज अ व्हाट, परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। कई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पर एक वर्टिकल लाइन, जो भी आपको बोलना, बट 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। अब मुझे इसी चीज को अदर लैंग्वेज में और बोलते नहीं आएगा, तो मैंने दो आपको बता दिया, ठीक है। एक रूल होता है, जैसे मैंने इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री बनाया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री होगा, समझ में आया। ये अगर 40 बनाया तो 40 होगा, 80 बनाया तो 80 होगा, क्यों भाई ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब कभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, कौन सा रिफ्लेक्शन भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें जो सरफेस है वो कैसी है, सीधी है, ऐसे नहीं कोई ऊपर ऐसे, ऐसी सरफेस नहीं है। जैसे देखो आपके सामने एक डायग्राम फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये वाला है। अगर मैं ऐसी सरफेस बना दूँ, ये लो रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये रिफ्लेक्ट, अब कहना कोई लाइट मान लो ऐसे इंसिडेंट की, हम सोच रहे थे कि इंसिडेंट ऐसे की है, अब वो ऐसे चली जाएगी, हम ऐसा सोच रहे थे लेकिन पता चला वो ऐसे चली गई, तो क्या ये मैच होगा, नहीं मैच होगा,
समझ में। तो बेसिकली क्या है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, ये वाला, ये आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों याद रखना, गड़बड़ मत कर देना, समझ में। गड़बड़ हो जाना बहुत ऑब्वियस है, क्लियर है। अभी देखो ये टॉर्च का लाइट है, देख सकते हो आप ये कितना शानदार। अभी इन्होंने जानते हो क्या किया, टॉर्च का लाइट फैला हुआ था, मैंने जानबूझ के टॉर्च के लाइट में एक छोटा सा यहाँ छेद किया है, यहाँ पे एक स्केल रख के, तो उस स्केल से एक छोटी सी बीम ऑफ लाइट ही जाती हुई दिखाई दे रही है, और फिर यहाँ से ऐसे आ गई, समझ में। अगर ये पूरी लाइट जाती हुई दिखती ना टॉर्च लाइट, तो आपको इंसिडेंट लाइट दिखती नहीं, समझ में ही नहीं आता ना कहाँ से जा रही है कहाँ से आ रही है, इसलिए एक बीम को गुजारना चाहिए। अगर आपको रिफ्लेक्शन अच्छी तरह समझना है ना, तो आपको एक बीम मतलब एक ही लाइट जानी चाहिए। अगर बहुत सारी लाइट जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ना किसका कहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ। अभी जैसे इस केस में देखो, क्लियर समझ में आ रहा है कि ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता। और ये प्रैक्टिकल आप सबने किए ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना किया हो, बहुत ऑब्वियस है, समझ में, क्लियर है ना। एक और चीज़ है, देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं। तो देर आर टू रूल्स, बेसिकली दो रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के, दो रूल कौन कौन से हैं। रूल नंबर वन क्या, रूल नंबर वन, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, समझ में आया। पहली बात, ये रूल नंबर वन है। रूल नंबर टू, व्हाट रूल नंबर टू, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो तीनों है ना, ऑल शुड लाई ऑन सेम पॉइंट इन सेम प्लेन, एक ही जगह पर तीनों आने चाहिए। जैसे देखो, फिर से इसी डायग्राम पे आ जाओ, क्योंकि डायग्राम अच्छा है आपको समझने के लिए, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया, तो थोड़ा इसको अच्छा कर देते हैं, भाई क्या दिक्कत है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, देखो बहुत सिंपल है, दोनों भी रूल यही समझा देता हूँ। बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब पहला वाला रूल एकदम सच है। दूसरा वाला देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं और एक ही प्लेन पर, है ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लेन पर बन रहे हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा बनाने की कोशिश करे कि सर ये एक प्लेन हो गया, इंसिडेंट रे यहाँ आके टकरा रही है, लेट से यहाँ नॉर्मल कहीं यहाँ पर है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है, ऐसा नहीं होता भाई, समझ में, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यस, ऑब्वियसली ये दो रूल आपको हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहेली एंड बूझो परफॉर्म एक्टिविटीज इन अ क्लासरूम, चलो आ जाओ अपन भी आंसर कर ही लेते हैं ना, क्योंकि लाइट का तो लेवल ही अलग है, ठीक है। बूझो रिमेंबर क्लासेज इन क्लास सेवन्थ, ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा अच्छा, तो चलो अपन भी बता देते ना, वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। इरेक्ट, जो प्लेन मिरर होता है ना, मिरर में हमेशा इमेज सीधी दिखती है। अरे भाई प्लेन मिरर, तुम घर पे डेली अपना मुंह देख के आता है, तनुष डेली अपने आप को देखता है कि नहीं देखता है कि नहीं, साई अपने आप को देखता है, गार्गी अपने आप को देखती है, तो तुम लोग जैसे सीधे खड़े होते हो तो सीधे ही दिखाई देता है ना, तो दैट मीन्स यस इरेक्ट रहते हैं। वॉज द इमेज ऑफ सेम साइज, यस, ऐसा थोड़ी ना कि तनुष अपने आप को देख रहा है वो 4.5 फीट का है, मिरर में देखेगा तो 2.5 फीट का दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना, जितना है उतना दिखेगा। डिड द इमेज अपियर एट द सेम डिस्टेंस, यस,
प्लेन मिरर की यही खास बात है यस, जहाँ जितनी दूरी पर तुम प्लेन मिरर में खड़े रहोगे, सामने खड़े रहोगे, उतनी दूरी पे आपको इमेज दिखेगी, है ना? एकदम चिपक के खड़े रहोगे, एकदम बड़ी बड़ी इमेज दिखेगी, दूर जाओगे छोटी इमेज दिखेगी। कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन? नो, स्क्रीन पे नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मतलब जो इमेजेस स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड ना हो सके उनको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं, मतलब सीधी होती हैं। तो जो रियल इमेज होगी वो कैसी होगी? जैसे अपन सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो ऊपर से एक लाइट आती है और अपन को एक पर्दे पे बड़े बड़े हीरो हीरोइन दिखते हैं, डांस करते हो, गाना गाते हो मूवी में, है ना? तो वो एक रियल इमेज है। कैसे रियल इमेज है? क्योंकि दैट इज गेटिंग ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन। जैसे प्रोजेक्टर अपन यूज करते हैं, अपन अपनी क्लास में प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो प्रोजेक्टर में जो इमेज दिखती है वो कैसी है? वो भी एक रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि उसको हम किसी भी वॉल पर या किसी भी सरफेस पर या व्हाइट बोर्ड पर ऑब्टेन कर लेते हैं, समझ में आया? तो जो स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं होती है, नॉन ऑब्टेनेबल ऑन स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, और विच कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। इसीलिए क्या होता है, अब उल्टे को एक बार और उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? उल्टे का उल्टा इज सीधा। इसीलिए जो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर दो रिफ्लेक्टर सरफेस होती है। तो जब एक पहला बार रिफ्लेक्शन होता है तो उल्टी इमेज बनती है, फिर उल्टी इमेज को भी वापस रिफ्लेक्ट करके सीधी इमेज बनाते हैं, फिर किसी स्क्रीन पर गिराते हैं। इसलिए जो प्रोजेक्टर होते हैं इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर लाइट नहीं मिली तो ऑब्वियसली उनके बल्ब काम नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट का काम है ना, लाइट नीड व्हाट, गुड सोर्स, मतलब गुड सोर्स कैन प्रोड्यूस गुड लाइट। अब ये देखो, ये एक प्लेन मिरर है। अब इमेजिन करो, यहाँ पर ये पानी भी हो सकता है, या ये ग्लास भी हो सकता है, या ये मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी मिरर, ग्लास, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मान लेते हैं यहाँ पर तनुष करके एक लड़का है, वो खड़ा है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, या यहाँ पर है ना, ये ऐसा समझो कि ये है ना अपनी क्लास है, क्लास है, तनुष मुझे देख रहा है लेकिन चुपके से, ठीक है? हल्का सा दरवाज़ा खुला, ये दरवाज़ा है, यहाँ पे वॉल है। कोई बच्चा बोल सकता है ना होशियार, सर सीधे सीधे देख लो ना कहाँ पे कौन बैठा है, तो सीधे सीधे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरी वॉल है, दिस इज अ वॉल, वॉल लिख भी देता हूँ, वॉल है। जैसे ही दरवाज़ा खुला ये छोटा सा हिस्सा दिखा, और यहीं पर एक मिरर लगा हुआ था। तो होगा क्या कि तनुष जब देखेगा, कोई भी चीज हमें दिखाई कब देती है, याद रखो, कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हमारे आंखों पे जाके इमेज फॉर्म करती है। कई छोटे बच्चे, जैसे आप लोग भी 8th वाले बच्चे हो तो बहुत मासूम हो, कई बार आप लोगों को लगता है सर ऐसे कैसे, सर लाइट तो ट्यूबलाइट देती है, लाइट सन देता है, लाइट बल्ब देता है, अब तनुष थोड़ी ना लाइट देगा, या मैं पेन रखा हूं पेन की इमेज दिख रही है तो क्या पेन भी लाइट इमिट कर रहा है? बिल्कुल, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लाइट रिफ्लेक्ट ना करे, कम ज्यादा हो सकता है। अगर मेरे पास एक पेन है, ये पेन मुझे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि जो लाइट आ रही है कहीं से भी, चाहे सन से आ रही है चाहे ट्यूबलाइट से आ रही है, वो इससे टकरा कर मेरी आंखों पर पहुंच रही है। तो कहीं जिससे भी टकरा के मेरी आंखों पर पहुंचेगी, उस टकराती हुई चीज की भी मुझे इमेज दिखाई देगी, समझ में आया? ओके, तो क्या हुआ, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान हो सकता है, कोई बॉल फुटबॉल कुछ भी हो सकता है, उससे लाइट आ रही है, ये देखो ये लाइट आ रही है, यहां पे मिरर था, मिरर से टकरा के ये तनुष की आंखों में पहुंची, तो तनुष को इमेज दिखेगी। तो क्या तनुष को ये वाली इमेज दिखेगी? नहीं, तनुष को ऐसा दिखेगा मिरर में यहां पर कोई है, हालांकि तनुष समझ जाएगा कि यहाँ का इमेज है, समझ में? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, लेकिन आपका पोस्चर सीधा होता है, समझ में? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपकी वर्चुअल इमेज है, ठीक है? ये भी एक वर्चुअल इमेज है, दिस इज ऑल्सो अ वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ रही है? समझ में आया? और देखो जितनी डिस्टेंस आप, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मैं मदद करता हूँ आपको।
जितनी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की है, मतलब मिरर से लेके जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर आपको इमेज वर्चुअली दिखाई देगी। ये हाइट एच एच सेम रहेगा, ये हाइट सेम रहेगी एच और एच, समझ में आया? हाँ, अभी मैंने आपको ये बताया कि आपका राइट हैंड लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट हैंड राइट बन जाता है, उसका कारण होता है लैटरल इन्वर्जन। मिरर में लैटरल इन्वर्जन होता है, राइट बिकम लेफ्ट, लेफ्ट बिकम राइट, लेकिन इमेज वर्चुअली रहती है, समझ में आया? इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अभी कोई बच्चा ये पूछ सकता था, सर यू सेड दैट आवर आईज फॉर्म इमेज व्हेन द इमेज एक्चुअली मीट एट आवर रेटिना, या इमेज हमारे लेंस से टकरा के, जो भी लाइट है लेंस से टकरा के जब रेटिना पे फोकस करती है तो वो हमें इमेज दिखती है, तो क्या वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? तो आंसर इज दैट इज अ रियल इमेज, जो हमको दिखाई देती है, आंखें हमें जो दिखाती है वो रियल इमेज है, वर्चुअल नहीं है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा, सर तो आप ही बोल रहे थे कि रियल इमेज उल्टी बनती है, तो हमें लोग उल्टे क्यों नहीं दिखाई देते? बच्चा पार्टी, हमारी आंखों के अंदर ऑप्टिक क्याज्मा होता है। ऑप्टिक क्याज्मा क्या होता है? राइट साइड की आंख से एक क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, राइट साइड की आंख से ऑप्टिक नर्व लेफ्ट की तरफ जाती है और लेफ्ट साइड की आंख से ऑप्टिक नर्व राइट साइड ऑफ ब्रेन में जाती है, और दोनों एक क्रॉस बनाते हैं जिसको ऑप्टिक क्याज्मा कहते हैं। जैसे ये आंखें हैं दो और ये ब्रेन है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये जहां पे मिलते हैं नर्व उसको ऑप्टिक क्याज्मा कहते हैं। उस ऑप्टिक क्याज्मा पे आपकी इमेज पलट जाती है और उल्टे का उल्टा सीधा, तो वही हो जाता है। आप भी कभी भी नोटिस करना, कभी भी अगर आप राइट आंख से कोई चीज देख रहे हो तो आपको राइट आंख से लेफ्ट साइड की चीज ज्यादा क्लियर दिखती है और लेफ्ट आंख से राइट साइड की चीज ज्यादा क्लियर दिखती है। आप आजमा के देख लेना, इफ यू ट्राई टू क्लोज एनी ऑफ योर आई, उसी साइड जिस जिस साइड में आंख है ना, उस साइड की चीज आपको क्लियर नहीं दिखेगी, कभी भी नोटिस करना, उसके अपोजिट साइड की चीज ज्यादा क्लियर दिखती है। ठीक है, आंखों में देखो भगवान ने क्या अजीब और बहुत सही चीज बनाई है, अजीब तो बोलना मतलब गलत था, भगवान ने क्या सही शॉट सेटिंग की है कि आदमी राइट साइड का होके लेफ्ट साइड में देख सकता है। इसीलिए जब दोनों आंखें काम करती है ना, तो आपको डेप्थ कहते हैं ना, जैसे सैमसंग वाले क्या टीवी पे ऐड दिखाते हैं कि हमारे फोन के कैमरे में डेप्थ सेंसर है, तो भगवान ने हमको नेचुरली डेप्थ सेंसर दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब दोनों आंखें बराबर काम करती हैं तो आप किसी भी इमेज की मैक्सिमम पिक्सल पे क्या इमेज बना लेते हो 3D में, समझ में आया कि नहीं? जो आज तक इतने सारे महंगे महंगे कैमरे बन गए, उन सभी महंगे महंगे कैमरों के लिए आज तक भी उस लेवल का 3D इमेज फॉर्म करना इम्पॉसिबल। ठीक है बच्चा बाड़ी, अब इस टॉपिक को भी देख लो, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मैंने अभी अभी आपको बताया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब आपको एक प्लेन सरफेस मिलती है। ये देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, देख रहे हो ब्लैक वाला आ रहा है, ब्लू वाला जा रहा है, क्लियर, कितना शानदार दिख रहा है ना, वाह। इरेगुलर को देखो, तुरंत समझ जाओगे इरेगुलर, ये देखो कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, देख रहे हो सब आपस में कहीं कुछ टकरा रहे हैं, कहीं ये ऐसे आया ऐसे चला गया, ये ऐसे आया ऐसे चला गया, समझ में आ रही बात? और ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये सरफेस को देखो, ये सरफेस ही उबड़ खाबड़ है, हाँ ना, ये सुनो, जबकि यहां वाले इमेज को देखो, ये सरफेस एकदम स्मूथ है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, देन ओनली वी गेट व्हाट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज बम्पी और इररेगुलर, वी गेट व्हाट, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली जो आपने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रखा था, ये किसके लिए काम करेगा, किसके लिए एप्लीकेबल है? ये रेगुलर के लिए एप्लीकेबल है, इररेगुलर के लिए कोई रूल नहीं होते, समझ में? अरे रूल उनके लिए होते हैं जो रूल फॉलो करते हैं, कहाँ वो उसमें रूल कहाँ लगेगा। डन बच्चा बाड़ी, उसी को डिफ्यूज भी कहते हैं, क्लियर? रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है, जानने के लिए देखिए अगला लेक्चर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिले अपन अगले लेक्चर में और आगे की बातें करेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया हो, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो,
बाय गाइज, टेक केयर।